आज हमारे चैनल यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 की टीम पहुंच चुकी है बिहार के मधुबनी जिले के मधुवापुर प्रखंड के पंचायत में, जहां पर आगामी 15 नवंबर को होने वाली सातवीं चरण के पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी पद के उम्मीदवारों ने जनसंपर्क कर अपनी झोली में वोट बटोरने का काम शुरू कर दिया है। आज प्रचार के दौरान पूर्व जिला पार्षद बादल गुप्ता जी पत्नी लक्ष्मी कुमारी जी ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि वे अगर दोबारा जिला पार्षद बनती हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए कुटीर उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही बासुकी पंचायत और साहरघाट पंचायत में आरटीपीएस बनवाएंगे ताकि लोगों को जाति आवासीय बनाने के लिए मधुवापुर प्रखंड न जाना पड़े, पंचायत लेवल से ही काम हो जाए। साथ ही विकास के कई वादे भी किए। देखिए कमाल अहमद प्रभारी के साथ आयुष प्रकाश की बिहार पंचायत चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। जिला पार्षद से दोबारा से आप नामांकन हुआ है, क्या उद्देश्य लेकर जनसंपर्क कर रहे लोगों के बीच वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका इस बार इलेक्शन फाइट करने का? पिछले बार भी मेरी मम्मी जी आई हुई थी, सासू माँ, और आगे देखिए जनता सपोर्ट करेगी तो हम भी विकास ही करेंगे ना, और पिछले बार भी किए हैं आगे भी करेंगे। जी सर, क्या उद्देश्य है इस बार इलेक्शन फाइट? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं बादल गुप्ता, छात्र नेता, आप सबका सेवक। मैं 21 सालों से छात्रों का सेवा करते आ रहा हूं और 5 सालों के लिए मेरी माता श्री श्रीमती कुमारी देवी जी को जनता ने भारी मतों से जिताने का काम किए थे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन जनता को देना चाहता हूं। सर, ये जो पिछले 5 साल के क्रियाकलाप में जो है कोई ऐसे 5 काम बताएंगे जो अपने क्रियाकलाप में जो मतलब आपने करवाए हो? मैं 5 काम क्या, मैं अनेकों काम बताऊंगा जी। मैं 21 PCC कार्य किया हूं और नाला का निर्माण किया हूं। इससे पहले जितने भी जिला परिषद जीते वो कहीं किसी भी गांव में सड़क नहीं बनाए, मगर मैं लगभग हर एक गाँव में एक सड़क बनाया। और इतना ही नहीं, कोरोना काल में ऐसे असहाय गरीब, जो गरीब मतलब जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले व्यक्ति थे, उनके घर घर जा कर के और मैंने 6,000 परिवारों को राशन दिया, साबुन, मास्क और कोरोना से बचाव का उपाय बताया। और इतना ही नहीं, 2017 में जब बाढ़ आई थी तो मेरे आंदोलन के उपरांत 2,40,00,000 रुपया आया था, जो सेकेंड किस्त की पैसा 6,000 रुपया आर्थिक सहायता राशि जनता को मिला था। और अभी मैंने एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया हूं, जो जिनका कोई नहीं है उनके लिए मैं खड़ा उतरने का काम कर रहा हूं और उनका दवा, दारू, कपड़ा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था मैं अपने वृद्धाश्रम में कर रहा हूं। सर, इस बार जो है मतलब कौन से आपके सपने अधूरे हैं जिसको लेकर के आप फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जो अगर लोगों का समर्थन रहा तो इस बार का जीतते हैं तो मतलब कौन से कार्य को प्रथम प्राथमिकता में करने का काम करेंगे? देखिए, यहाँ दो बातें मैंने देखा है कि सबसे पहले तो बेरोजगारी काफ़ी है, इसके लिए मैं यहाँ एक कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग दिलवाऊंगा और कुटीर उद्योग भी लगवाऊंगा और निःशुल्क ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। दूसरा है कि छात्र नौजवानों को जातीय आवासीय या हमारे बुजुर्गों को रसीद कटाने की समस्या हो, ज़मीन की, ये सारी समस्याएं होती रहती है, इसके लिए मैं 2 आरटीपीएस काउंटर सबसे पहले खोलूंगा, जिसके लिए 2 सेंटर का मैंने चूज किया है, एक बासकी में और एक साहरघाट में भी लगवाऊंगा और निःशुल्क ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। दूसरा है कि छात्र नौजवानों को जातीय आवासीय या हमारे बुजुर्गों को रसीद कटाने की समस्या हो, ज़मीन की, ये सारी समस्याएं होती रहती है, इसके लिए मैं 2 आरटीपीएस काउंटर सबसे पहले खोलूंगा, जिसके लिए 2 सेंटर का मैंने चूज किया है, एक बासकी में और एक साहरघाट में। लोगों को यहाँ से जाने में 2-3 बार जाना पड़ता है ब्लॉक और 500 रुपया खर्च होता है, उनको यहाँ फ्री में सुविधा मिल जाएगी। और सरकार की जो भी योजनाएँ आएगी, हम लोगों को तो 10% सीट मिलता है, 70% तो मुखिया जी को मिलता है, 20 रुपया पंचायत समिति और 10 रुपया में हम लोगों को 7 पंचायत मिल, 6.5 पंचायत मिलता है, फिर भी मैंने 20% वहाँ से खींच कर लाने का काम किया और विकास किया। और मुझे लगता है कि इससे भी अधिक मैं कार्य करूँगा, जो काम छूटा हुआ है। अभी तो नाला का प्राथमिकता मैं पहले देना चाहता हूँ, क्योंकि सड़क बन गई है, पानी की निकासी नहीं है, तो सबसे पहले मैं नाला बनवाऊँगा और PCC कार्य जहाँ छूटा हुआ है उस कार्य को मैं पूरा करूँगा। और जैसे मैं खड़ा था एक सेवक के रूप में, मैं हमेशा जनता के बीच में खड़ा रहूँगा। सर, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो देश प्रदेश जो यहाँ के मतदाता मालिक रह रहे हैं उनको इलेक्शन में घर आके वोट देने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के जितने भी
हमारे भाई बाहर रहते हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपना मत है, इस मतदान में ज़रूर हिस्सा लें। और अभी सबसे बड़ा पर्व बिहार का माना जाता है वो छठ पूजा, इसमें आप लोग आवे और अपना मत का अधिकार अधिकार जो है मत देने का वो उसको यूज करें और अच्छे लोगों को चुने। अच्छे लोग आएंगे, अगर आप लोग मत दे करके और यहाँ जो जिताने का काम करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने पहले भी मुझे प्यार दिया था, इस बार भी प्यार मिलता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि मैं कुटीर उद्योग का ट्रेनिंग दिलवा करके यहाँ कुटीर उद्योग का स्थापना करूँगा। तो मैं प्रयासरत हूँ कि जो प्रवासी या जो हमारे क्षेत्र के लोग बाहर रहते हैं, उन लोगों को मैं यहीं रोज़गार दूँ। मेरा एक सपना एक ये भी है और मधुवापुर प्रखंड का बिहार का नंबर वन प्रखंड बनाऊंगा, ये मेरा सपना है और इसको मैं साकार करूंगा। बस हम जनता मालिक से यही आग्रह करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, जैसे आपने इतने प्यार मोहब्बत हमारे साथ किए थे, मैं उसी तरह आपके सेवा में हमेशा रहूंगा, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है। जैसे ही मैं चुनाव में आप लोगों के बीच में सेवक बन के आया, तो मैं घर द्वार सब त्याग करके आपके बीच में आया हूँ। और आपके ये शरीर मेरा नहीं है, ये आपका है, अच्छा में रखिए बुरा में रखिए वो आप पे डिपेंड करता है, मगर मैं जैसे खड़ा था पिछले 5 सालों से आपके बीच में, वैसे ही खड़ा रहूँगा। ओके, थैंक यू।